जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चन्द्र जय गौरभक्त वृन्द जय द्वैत जय गौरभक्त जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानन्द जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंद तो आप लोग को विषय याद होगा विषय है श्रद्धा का और श्रद्धा के बारे में हमने क्या सुना था आखिरी श्लोक श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत हो श्रद्धा शब्द का अर्थ है ये दृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास ये निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करके ही मैं सारे कर्म कर ले रहा हूं अब इसका क्या ये इंटरप्रिटेशन होगा कि हम भक्ति ही करें और हमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी क्या ऐसा संभव है बताइए प्रैक्टिकली क्या समाज में इस प्रकार से संभव है कि सब लोग केवल भक्ति ही करें और नौकरी भी ना करनी पड़े किसी को अपने धन का आय भी ना अर्जित कर धन का कोई स्रोत भी नहीं हो आय आय के लिए कुछ प्रयास ना करना पड़े ऐसा नहीं है ऐसा नहीं ऐसा मत सुन ले ऐसा ऐसा होता है ऐसा नहीं जनरली ऐसा नहीं होता है लेकिन जीवन की सिद्धि है भगवत प्रेम वह भगवान की भक्ति के द्वारा ही सब पात्र होगी ये कहने तो का अर्थ आप पांचवे स्कंद में भी पांचवे अध्याय में पढ़ेंगे भगवान कहते हैं गृहस्थ व्यक्ति है तो उसको अपने घर अपने जीवन यापन करने के कुछ करना पड़ेगा लेकिन वो बाहर के भोगी की तरह नहीं करे बाहर के लोग धन क्यों कमाते हैं बताइए भोग जुटाने के लिए लेकिन भक्त अगर कुछ नौकरी कर रहा है कुछ भी कर रहा है कुछ भी काम कर रहा है ताकि वे भक्ति संपादित कर सके मेन चीज है इस शरीर से हमें भक्ति करनी है उसके लिए धन कर रहा है नौकरी कर रहा है वो कुछ वो सब भक्ति के अंग में आ जाएगा डज इट मेक सेंस ऐसा नहीं है कि हम जिसके भाई कुछ विलक्षण लोग हैं भी जैसे कि श्रीवास ठाकुर जी वो कुछ करते ही नहीं थे तो महाप्रभु कहते तुम भाई कुछ धन अर्जन करने के लिए क्यों नहीं जाते हो तो कहते वो हमसे नहीं होगा तो कहते तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेते हो तो कहते वो भी नहीं होगा <laughs> तो कहते भाई परिवार का पालन कैसे करोगे महाप्रभु भगवान कह रहे परिवार का पालन कैसे करोगे तो कहते ये क्या मतलब है कहते हैं भाई जब हमको हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहते हैं भक्ति में लगे रहते हैं और जब कुछ खाने को नहीं मिलता तो हम तीन बार ताली मारते हैं पहले दिन एक, दो, अगर खाना नहीं आता है, है, तो तो है? तो संकल्प लिया हुआ है कि गले में पत्थर बांध करके गंगा जी कूद जाएंगे तो महाप्रे श्रीवास तुमको भूखा रहना पड़ेगा अरे हो सकता है कि लक्ष्मी जी भीख मांगे लेकिन तुम कभी भूखे नहीं रहोगे तो इतनी इस लेवल की फेथ है तो पर तो कहना ही क्या है <laughs> कि नहीं लेकिन सामान्यतः इस प्रकार की फेत समाज में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लेकिन सिद्ध कैसे होगा कि भक्ति के द्वारा ये तो हम कर सकते हैं ना ये बात आप देख सकते हैं कि महान महान भक्त भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य करते थे और भगवान इस बात को बोलते हैं शरीर यात्रा पिछलते न प्रसिद्ध कर पड़ा ठीक है ना लेकिन जीवन के परफेक्शन मुझे भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा ये बात बताई जा रही है ठीक है क्योंकि देखिए बोलना बहुत गं गंभीरता से बहुत संभल के होना होता है उससे हम पास घर छोड़ के चले जाएंगे कर लेंगे तो प्राय ऐसा होता नहीं समाज इस प्रकार से चल नहीं पाता है कुछ भी करना पड़ेगा आपको शरीर निर्वाह करने के लिए है कि शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्ध अकर्मणा ये गीता का श्लोक है ना आप कुछ कर्म नहीं करेंगे तो शरीर भी नहीं रहेगा तो शरीर निर्वाह करने के लिए भी नहीं जीव को समझिए कहते हैं भक्ति निर्वाह करने के लिए अरे ये भगवान को दीपक में घी देना है तो उसके लिए कुछ धन चाहिए लेकिन धन को बहुत अगर अधिक मात्रा में इकट्ठा करेंगे तो फिर व्यक्ति को भोग में प्रवृत्त कराएगा प्रैक्टिकली आप देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं वो चक्रवर्ती पात की बात है आप देखिए दिख रहा है कि नहीं जब धन बहुत अधिक होता है तो धन क्या सिग्नल देता है तुम तपस्या करोगे तुम्हें तपस्या करने की क्या जरूरत है इससे पहले कि हम आगे जाएं पर इस पर जरा विचार कीजिए कैसा होता तो है वो देखते हैं अपने चित्र में धन अगर अधिक होता है तो व्यक्ति यही सोचता है कि तुम्हें तुम तो सिद्ध हो तुम परफेक्ट हो तुमको तपस्या करने की क्या जरूरत तुम तपस्या करोगे तपस्या ये गरीब लोग करें तुम्हें करने की क्या जरूरत एनी तो हम बात कर रहे थे कि अब श्रद्धा का आपने क्या अर्थ सीखा भगवान की भक्ति करके ही मैं सिद्ध होऊंगा और श्रद्धा का लक्षण क्या है किसी को याद है शरणागति इतना तो याद हो गया कि शरणागति शब्द बोला था अर्थ क्या था इसका अर्थ तो यह है कि हम करेंगे अगर नाम में श्रद्धा है तो नाम जब करेंगे अगर ये श्रद्धा है कि धाम में आए हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा धाम में आएंगे दीपदान करने से श्रद्धा है कि भगवा, हम, भगवान का कृपा हम होगी तो दीपदान करेंगे अब वो श्रद्धा किस प्रकार से है यहाँ पे देखिए ये श्लोक से ये नारद जी का श्लोक है नारद जी बोले हैं श्लोक को बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसको आप लोग एटलीस्ट अगर संस्कृत याद हो कम से कम इसका अर्थ जरूर याद कर लीजिएगा किसी को भी आप बताएंगे तो एकदम सट के बिल्कुल बात समझ में आती है मेरे पीछे बोलेगा यथा तरोर्मूलनिषेचनेना यथातरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखान्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणा तथैव सर्वाहरणमुच्युते जथैव सर्वाणमुच्युते जथातरोः रूर मूल यथा तरूर मूल निशेचनेना त्रिप्यंति भुजोपशाखा बुजो पशाखा त्रिप्यंति तस्कंद बुजो पशाखा ग्रानो पहाराच्या तेंद्रियाना ग्रानो पहाराच्या यथा तरूर मूल यथा तरूर मूल निशेचनेना त्रिप्यंति स्कंद भुजोप शाखा तत्यन्दि ततस्कंद भुजोप शाखा प्राणो पहारा क्षयते इंद्रियाणा प्राणो श्लोक अर्थ बड़ा स्पष्ट है यथा तरूर मूल निषेचनेना जिस प्रकार तरु के मूल अर्थात पेड़ की जल में निषेचनेना निशेचन मतलब जल देने से ृप तृप्त हो जाते हैं तत्स्कंध उस वृक्ष के स्कंध भुजोपाखा और भुजाएं और शाखा तृप्त हो जाती हैं। प्राणोपहाराक्ष यथेंद्रिया नाम प्राणोपहार प्राणोपहार अर्थ क्या लिया गया है प्राण शक्ति को भोजन प्रदान करके प्राण शक्ति को भोजन प्रदान करने का मतलब है पेट में भोजन देने से इच्छा आज तक श्लोकों में ऐसे देखा नहीं अनुवाद ऐसा सोचा करता था कि पेट में खाना देने से आप लोग से नहीं दे रहे प्राणोपहार प्राण को उपहार देने से और प्राण को उपहार कैसे मिलता है अन्नगत प्राण होते हैं तो अन्न में प्राण होता है अन्न अपने पेट में देते हैं तो हमारे प्राणों को मिल जाता है अभी एकादशी आ ही रही प्राण सूखने लगता है कि नहीं पेट <laughs> में नहीं पहुंचता आज तो बहुत कमजोरी लग रही है इस पे हमारे भक्ति विज्ञान महाराज जोक मारते हैं कि देखिए अगर आप पूरा दिन नहीं भी खाएंगे तो एक ग्राम भी शरीर का वजन कम नहीं होगा एक ग्राम भी नहीं लेकिन तो हमको लगता है कि बहुत कमजोरी आ रही है ठीक है नहीं तो कह रहे रहे हैं हैं जिस प्रकार से से प्राण को उपहार देने बहुत सूक्ष्म बात बोल रहे हैं। सभी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं अब यह क्यों बोल रहे हैं आप बताइए क्योंकि प्राण के द्वारा ही सारी इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती है जैसे आपने जेसी भी देखा है जेसी भी हवा से चलता है हाइड्रोलिक सिस्टम से तो सारा जिसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वह सब हवा से हो रहा है और आप अपने शरीर को भी जानते हैं कि किसी को लकवा मारता है तो क्या होता है वो वो प्राण गड़बड़ हो गया है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है ये समझ पा रहे हैं इससे पहले मागे जाए जानते हैं कि हम कुछ इच्छा करते हैं करने के लिए फिर भगवान नोट करते हैं क्या करना चाहता है फिर प्राण को भगवान एक्टिवेट करते हैं फिर प्राण माइंड को एक्टिवेट करता है फिर मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है यह सिस्टम है तो प्राण संतुष्ट हो गया अन्न दे करके तो प्राण से बाकी सारी इंद्रिया चालित है कि नहीं तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्राण संतुष्ट हो गया भोजन का उपहार लेकर कि बेसिकली पेट में खाना पहुंच गया तो सारी इंद्रियों को बल प्राप्त हो जाता है तथेव उसी प्रकार से सर्वाहर सर्व अर्णम अर्णम का मतलब पूजा तो कह रहे हो सबकी पूजा हो जाती है अच्युत इज्जा अगर भगवान कृष्ण की इज्जा अर्थात उनकी पूजा होती श्लोक समझ में आ रहा है आपको जिस प्रकार से पेड़ के मूल में जड़ देने से सभी को सारी स्कंद और शाखा इत्यादि को तृप्ति हो जाती है और प्राणों को उपहार देने से प्राणों यानी पेट में खाना देने से सभी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है संतुष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार से सर्वाहरणम सभी देवताओं की पूजा हो जाती है अगर कोई व्यक्ति अच्युत की पूजा करता है कृष्ण की पूजा करता है अब आप भी विचार करिए कि श्लोक बोला क्यों गया है श्लोक तो समझ में आ गया कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं कि पिछले श्लोक का श्लोक से लिंक क्या है क्लियर समझ में आया श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कर ले कर्म कृत हो उसको समझाने के लिए श्लोक किया जा रहा है इस श्लोक को देखने का प्रयास कीजिए चैतन चिता इसलिए दिख रहा है ना कि व्यक्ति हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं वो लोग प्रसन्न नहीं होते हैं जो पत्तियां पेड़ से अलग हों आप ये भी देखेंगे कि भक्ति करने के बाद भी बहुत लोग से लोग आपसे प्रसन्न नहीं है आप मान लीजिए अनन्य भक्ति भी कर रहे हैं फिर भी कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं कि नहीं तो उन्होंने तो अपने आप को पेड़ से काट के रखा हुआ है लेकिन बाकी जितनी देवी देवता है वो तो भगवान के सेवक है कुछ समझ रहे हैं हिरणा कशबू खुश नहीं हो रहा था ना प्रहलाद महाराज से प्रहलाद महाराज सब लोग सुखी थे अरे चलो हम लोग इसके उदाहरण ना भी मान लिए जाए लेकिन प्रहलाद महाराज तो उदाहरण है ना कृष्ण के अनन्य भजन कर रहे थे कि नहीं तो आपके मन में प्रश्न नहीं आता कि हिरणा का संतुष्ट क्यों नहीं हुआ उनसे एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि हिरणा का संतुष्ट क्यों नहीं हुआ क्यों क्योंकि वह अपने आप को भगवान से अलग करके बैठा हुआ है सोच रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कृष्ण क्या है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि अगर कृष्ण संतुष्ट है तो उस व्यक्ति से जगत पूरा जगत संतुष्ट होता है अब आप इसको अपने पे घटित कीजिए कि यदि हम कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कुछ भी कर लें हम पहली बात तो किसी एक व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे जीवन जगत को संतुष्ट करने की बात तो छोड़ दीजिए और खुद भी संतुष्ट कभी नहीं होंगे बिफोर इट इज टू लेट वी शुड लर्न इट बहुत गंभीर बात है वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना डालियां तथा टहनियां स्वतः तुष्ट हो जाते हैं उसी इसी तरह उदर को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है तो प्रोपर क्लियर कर रहे हैं कि प्राण उपा, को उपहार आप कैसे देते हैं प्राण को उपहार कान के द्वारा नहीं दे रहे है मतलब कहने का तो जैसे कढ़ी और चावल में तो कढ़ी लेकर के कान में डालते तो ऐसा नहीं नाक में डालें आंख में डालें कई बार इस उदाहरण को महाराज ने तो समझाए कोई कहे गुलाब जामुन मिला है अब बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है तो आंख उसका जूस सहित अपनी आंख में डाले कान में डाले तो कितना हास्यास्पद बात हो जाएगी ना क्या अब इमेजिन भी नहीं कर सकते ना इसी प्रकार से व्यक्ति सोचे कि मैं अलग अलग देवता सब कृष्ण से अलग है और उनसे अलग से पूजा कर रहा हूं ते मूर्ता है ठीक है इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं तात्पर्य यह उद्धरण उदाहरण श्रीमद भागवतम फोर का है अब देखिए बात यहाँ पे श्रद्धा की आ रही है और श्रद्धा की डेफिनेशन पकड़ के आपको बाकी के सारे श्लोक समझने होंगे श्रद्धा की क्या डेफिनेशन है शा... बस बोल दो कुछ क्या डे... डे... डेफिनेशन पूछ रहा हूं श्रद्धा की डेफिनेशन क्या सुनी श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कृत हुए अब इसकी डिग्री के अनुसार व्यक्ति के अधिकार का निर्धारण होता है श्रद्धा एक कनिष्ठ भक्ति में भी है और मध्यम भक्त में भी है और उत्तम में भी है लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग है कोमल है थोड़ी स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग है तो उसको जरा सुनिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के जीवन आपने सुन लिया होगा कई बार इस टॉपिक को लेकिन जब मैं कल इसको फिर से पढ़ रहा था तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई उसको पढ़ते हैं फिर बोली श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी श्रद्धावान तीनों ही लोग श्रद्धावान है लेकिन अपने अपने अधिकार के अनुसार उनको अलग अलग भाग में बांटा गया है उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कनिष्ठ की भी श्रद्धा है कि कृष्ण की भक्ति करने से, से सब कुछ हो जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डाउट है ये रहता है और मध्यम की अभी बता सब डेफिनेशन सामने आएंगी तो उसे, तो पढ़ ही लेंगे तो आप श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेममय सेवा के लिए सुपात्र है भक्ति की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त के रूप में की जाती है अच्छा इससे पहले हम आगे जाएं ये बात थोड़ा समझ लेना होगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी श्रद्धा नहीं है श्रद्धा मयम अयम पुरुष यो यश्रद्धा सऐ बस ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी श्रद्धा नहीं हो अगर कोई कहे आपसे कि आप लोग श्रद्धा पर स्वीकार कर रहे हो बात तो ये बताओ उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कभी विस्फोट से कुछ सृष्टि होते हुए देखी है कभी बंदर से इंसान आते हुए देखा है तो ये तो आप श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से आपने नापा है क्या तो आप ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं है लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए श्रद्धा मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के द्वारा इन्फेक्टेड होती है तम अब हम लोग गीता में पढ़ा चुके श्रद्धा के विभाग रजगुणी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा रजगुणी श्रद्धा सत्वगुणी श्रद्धा, श्रद्धा तो सर जो तमोगुणी श्रद्धा वाले लोग होंगे वो किसकी पूजा करते हैं भूत प्रेतों की रजोगुणी वाले यक्ष राक्षसों की और सतोगुणी वाले देवताओं की लेकिन जो शास्त्र में श्रद्धा रखा रहा है उसकी श्रद्धा दिव्य है एक बात और दूसरा भक्ति केवल तर्क के आधार पर नहीं चल सकती ऐसा नहीं है कि तर्क का इसमें स्थान नहीं है लेकिन शास्त्र छोड़ करके गीता भागवत को छोड़ करके शुष्क तर्क ना नहीं हो सकता शुष्क तर्क मान लीजिए हम सुन रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है अब हम उसको अपने शुष्क तर्क जिसका कोई शास्त्र का आधार नहीं हो उसके द्वारा नहीं ग्रहण समझा, समझा सकते समझ ही नहीं सकते भगवान की अचिंत शक्तियों को स्वीकार करना होगा और इसके लिए व्यक्ति को श्रद्धा की एक जंप लगानी होगी मैं इससे पहले आगे जाऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुनिए क्या हम श्रद्धा के बिना जी सकते हैं बहुत बहुत सुंदर बात है ऐसा मत सोचिए कि हम बिना श्रद्धा के जीत लेंगे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी तो भी है ना कि एक महीने बाद सैलरी आएगी यह हमको निकाला नहीं जाएगा यद्यपि कितने लोगों को फायर किया जाता है ठीक चालीस प्रतिशत मेडिसिन जगत में नकली होती हैं, आप मेडिसिन नहीं खाओगे कई कई बार डॉक्टर भी गलत मान लो गलत नहीं धोखा नहीं करना चाहता गलत डायग्नोसिस कर लेता है कभी कभी लोग उसे मर जाते दाढ़ी नहीं बनवाएंगे क्यों भाई एकदम गर्दन पे छुरा चला रहा है श्रद्धा नहीं है अच्छा उधर कौन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना उस पर जब अटैक हुआ तो कई महीनों तक लोग हवाई जहाज पे चलना बंद कर दिए थे बहुत बार लेकिन उसके बाद फिर हवाई जहाज का इंडस्ट्री बंद हो गई ना क्या कीजिएगा बताइए और अभी देख लीजिए आप है ना मुझे कोरोना नहीं है अब कहा गए आप लोग तो सारे लिए जिसका जिसने क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको अरे वैक्सीनेशन नहीं किया है वो तो क्या बेचारा कौन जाने आप मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मंदिरों में देख रहे हैं कैसे लोग जत्थे के जत्थे सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग का अपोजिट क्या होगा सोशल प्रॉक्सिमिटी कहना चाहिए एकदम <laughs> धक्का मुक्का लगा के कृष्ण के सामने कोई चिंता है श्रद्धा <laughs> है ना ठाकुर जी रक्षा करेगी सोशल है कि नहीं और अद्भुत बात तो मैं ये देख रहा हूं कि अब तक अब कोई केस नहीं आ रहा है ये कोई केस नहीं आ रहा इतना भीड़ हो रही है कोई केस नहीं आ रहा है बात हम खाली ये कह रहे हैं और कई बार आपने देखा है ना कि लोग आपके सामने को एक्सीडेंट हुआ देखे रहते हैं फिर भी आपके गाड़ी पे चलना बंद कर देंगे तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में व्यक्ति श्रद्धा रखता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि हम भौतिक जीवन में श्रद्धा नहीं रख रहे लेकिन श्रद्धा भगवान में तब ही आती है जब भक्तों के संग में हम भक्ति प्रवर्तक जो भक्ति के प्रवर्तन करने वाले भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में को श्रवण करते हैं तब श्रद्धा आती है ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपने जीवन में नोइंगली अनोइली जब शास्त्र श्रवण करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि भगवान का नाम जब हमें करना चाहिए और एक और बात ध्यान सुनिए यद्यपि आपको अनुभव नहीं हो रहा है फिर भी भक्ति कर रहा है बोलिए कृष्णा क्यों बोला आपने एक नाम उच्चारण करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे दिख गया ना आप लोगों को सब आप लोग मीटर लेके घूम रहे हैं ना तो ये हम दिख नहीं रहा है लेकिन श्रद्धा से हम स्वीकार कर रहे हैं डज इट मेक सेंस ये बहुत गंभीर बात है अब एक और बात यहाँ पे पहले ही समझ लीजिए कि देखिए हृदय के अशुद्धि के कारण श्रद्धा कोमल है ये कुछ कान में टिक रही बात जितना हृदय शुद्ध होगा आपको भगवान अंदर से आपकी श्रद्धा को एम्पलीफाई करेंगे नहीं, नहीं, इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे आप वॉल्यूम का होता है ना एम्पलीट्यूड वाला बढ़ा रहे हो ना इस प्रकार से तो इसके लिए शुद्ध जीवन जीने के लिए व्यक्ति को बहुत अग्रसर रहना चाहिए मैं इस टॉपिक में बहुत खुश हूं बोलने के लिए बिकॉज तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आप देख रहे हैं ना कितने लोग उड़ जाते हैं भक्ति से क्यों उड़ जा रहे हैं बताइए श्रद्धा नहीं है और मेरे को तो लोगों ने बोला भी इस प्रकार से मैंने कोई अफेंस में नहीं प्रभु तो जी श्रद्धा नहीं हो रही नाम तो क्यों नहीं हो रही है बाकी लोगों को हो रही है क्यों हो रही है जरा बताइए श्रवण कर रहे हैं लगे यद्यपि रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैं आपको कैसे मैं अपना नहीं बोलना चाह रहा दो दिन से इतना मस्त जब हो रहा है और उसके तीन चार दिन पहले इतना कठिनाई होती जब करने में तब बताइए छोड़ देंगे आप, आप जा, क्यों शास्त्र सुना हुआ कि देखिए जब मैं रुचि मेरे शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती जब तो वैसे ही कर रहे है जैसे हम कर रहे हैं किसी किसी दिन कृष्ण कृपा करते हैं किसी किसी दिन भी कृपा ही करते हैं कि जब रुचि नहीं दूंगा तो भजन करेगा मैं इससे पहले आगे जाऊं इसमें बार बार हथौड़ा बजाता रहूंगा हमको रिजल्ट मिले या ना मिले अभी भगवान की बात एकदम सत्य है शास्त्र की बात एकदम सत्य है गोलोक है वैकुंठ है हरि नाम करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा भगवान का भागवत पढ़ूंगा मैं पहुंच जाऊंगा ये श्रद्धा इसको शास्त्री श्रद्धा मुझे नहीं समझ समझ में में आ आ रहा रहा है रहा है आप लोग फिर से रिपीट कर रहा हूं बताओ शास्त्र मतलब बोला अभी मैंने क्या बोला माइक देजिए माइक दीजिए इनको माइक दीजिए क्योंकि ये बात अगर है तो कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे आप यस मतलब भगवान आने नहीं हो रहा है हम हाँ। भगवान का नाम करना नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी मेरे साथ हो ये तो एक अच्छी बात है दूसरा यही सिद्धि देगा यद्यपि में अभी सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि आप जानते हो नाम का प्रभाव पहले दिन से ही है लेकिन दिखाता कुछ समय के बाद है ताकि जगत में अन्य सिद्धांति बने रहे सुन चुके कि नहीं ये आप लोग समझ नहीं सकते कितनी गंभीर बात है जो यहाँ बोली जा रही है कितने लोग ड्रॉप करते हैं भक्ति से प्रभु जी दो साल हो गए चार साल हो गए पांच साल हो गए हमें तो कृष्ण दिखे नहीं अब तक या फिर स्ट्रगल भी करना पड़ता है आपकी सेंसेस तकलीफ देते हैं या बहुत सारी कठिनाई आ सकती है जीवन में श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेमयी सेवा के लिए सुपात्र है तो ये आप समझ गए जिसको भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा है उसको भगवत प्रेम मिलेगा क्यों मिलेगा समझ में आ रहा है श्रद्धा है तो करेगा सीधी बात और करेगा तो भगवान की भक्ति तो अमोग है जिसको भक्ति प्रतिपादक बार-बार कर रहा हूं, जिसको भक्ति भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा है उसको भगवान की प्रेम जरूर मिलेगा अगर आपको श्रद्धा है तो बी इट मॉट आपको मिलेगा आप करते रहिए भक्त की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त के रूप में की जाती मैं विनोद में कह रहा था भक्तों को कि मैं इस कौन में अधिकारी तो बनना चाहता हूँ लेकिन मंदिर का नहीं उत्तम अधिकारी <laughs> अभी तो हम कनिष्ठ है लेकिन मध्यम पे आने का थोड़ा तो थोड़ा तो तो प्रयास कर रहे कि भक्तों तो से झगड़ा नहीं करें भूल गए प्रभु जी आपने परसों में को डांट लगाई थी वो भी हमारा कर्तव्य है कोई मंगल आरती नहीं आता तो डांटना पड़ता है तात्पर्य श्रद्धावान शब्द का अर्थ है कृष्ण को ही सर्वस्व अर्थात शाश्वत सत्य तथा परम दिव्य समझना कैसे समझेंगे आप भगवत गीता भागवत श्रवण करके ऐसे तो अपने मन से तो स्पुर होगा नहीं यदि मनुष्य को कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास है तो वह गोह्य भक्ति करने का पात्र बन जाता है इस पे बहुत सुंदर सी बात मुझे स्मरण आ रही थी हम लोग जो हरे कृष्णा कर रहे हैं ना आपको बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये वेदों का सबसे गोहे ज्ञान है आज सुबह भी मैं आपको बता रहा था इस बात को वी आर मोस्ट प्रिविलेज टू बी एक्स टू बी टू बी परमिटेड टू प्रैक्टिस द हाइएस्ट प्रोसेस हमको ये बात समान से लगती है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम रहे हरे कर दिया हमने बट हमको ये एक स्पेशल वी हैव बीन चोजन टू चैंड हरे कृष्णा मंत्र ध्यान रखिएगा इस बात यदि मनुष्य हाँ उसकी श्रद्धा के अनुसार ही वह उत्तम मध्यम या कनिष्ठ भक्त बनता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम अधिकारी से तार संसार बहुत सुंदर है शास्त्र युक्ति सुनिपुण ये उत्तम अधिकारी का वर्णन हो रहा है कि जो शास्त्र की युक्ति में सुनिपुण है लेकिन आगे वाली बात भी ध्यान देखिए दृढ़ श्रद्धा जार और उसकी श्रद्धा भी बहुत दृढ़ है ये दोनों जोड़ना होगा देखिए शा, शास्त्र में कोई निपुण हो जरूरी नहीं है कि उसके शास्त्र में श्रद्धा हो ये कुछ आप विश्वास करेंगे इस बात पे हो सकता है कि वो लॉजिकली एक्सपर्ट हो समझ समझने, समझने समझाने में लेकिन उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में थे हमारे कृष्ण से कोई दोष नहीं मतलब द्वारा भाव नहीं वो उस व्यक्ति का एनालिसिस एक 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 कर रहे थे उनके प्रवचन में हजारों हजारों लोग आते थे उनका नाम था प्रोफेसर मतलब महाराज बताते और वह उस क्रिस्टी धर्म का प्रचार कर रहे थे बहुत लोग उनसे इम्प्रेस थे तो महाराज अब उनसे मिलने के लिए गए तो महाराज को व्यक्तिगत बोले कि देखिए हम प्रचार तो बहुत कर रहे हैं और बहुत लोग श्रवण भी कर रहे हैं हमसे लेकिन हम सही बताएं तो हमको अपनी ही बात पर विश्वास नहीं अब इसका कारण समझ रहे हैं दोनों चीज ठीक है अगर बुद्धि के द्वारा हम शास्त्र पढ़ भी लिए ठीक है अच्छी बात है लेकिन हृदय अगर शुद्ध नहीं है तो जो लिखा है सो विश्वास नहीं होगा और आप समझ रहे हैं श्रद्धा मतलब शरणागति यानी श्रद्धा है तो कर भी रहा है अगर बोल रहा है कि जब करो जबकि नाम की महिमा भी कह दी तो जब स्वयं भी करेगा क्या दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं नाम की महिमा बोल दी सब कुछ कर दिया बट उसे करना भी तो है भाई तब तो माना जाएगा श्रद्धा है मैं कहूं कि ये एक फलाना मेडिसिन बहुत अच्छी है तो। और खुद भी कभी नहीं लिया यार ये मेरे तब एक बार हो चुका है एक भक्त ने मुझे फीवर की मेडिसिन दी थी लेकिन मेरे को फीवर तो कभी था नहीं तो अपना फीवर ठीक करने के लिए वो मेडिसिन कभी नहीं लिया प्रचार कर दिया सबको एक दूसरे भक्त को हुआ था फायदा लेकिन ये भी कभी कभी हो सकता है सब मुझे एक भक्त बोले प्रभु जी दूसरों को बोलता हूँ नाम की महिमा तो ठीक है और अपने भी विश्वास नहीं होता तबने तो ऐसे कैसे होता है भाई ये डेफिनेशन तो आपने कई बार सुनी होगी लेकिन हम लोग प्राय उसके सेकंड वाले भाग को ध्यान नहीं देते हैं केवल शास्त्र में निपुण होने से काम नहीं चलेगा नाम के ऊपर मतलब जो भी भक्ति के प्रोसेस पे श्रद्धा होनी चाहिए अर्थात उस वो भक्ति के प्रोसेस को करेगा तो इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग शुड गो ऑन हम खुद जब करेंगे देखिए आप जब कर रहे हैं अनुभव हुआ है so, nice. अब भले ही और उसके ऊपर आपको शास्त्र की बात भी पता है अहो बता स्वच्तो गरी यान इत्यादि इत्यादि जयति जयति तो सब प्रमाणित भी करेंगे देन we'll so यही तो आप को कल सब की, we are eternal. अभी हम सुन तो कितनी बार चुके हैं लेकिन वो उनके डीप रियलाइजेशन से बाहर आ रहा है इसे महाराज की बात बता रहा हूं महाराज जी बता रहे थे मैं कई बार बता चुका हूं बार। और कल मैं पढ़ते पढ़ते भी स्मरण बात आ रही थी कि

दम नहीं रहेगा बात को लेकिन शास्त्र की बात पे विश्वास से अर्थात उसको अपने जीवन में पालन कर रहे हैं ये उत्तम अधिकारिक लक्षण ठीक है इसी संबंध में शिला प्रभुपाद जी एक बार अपने कुछ शिष्यों के संग बैठे हुए थे उन्होंने कहा सबकी आंख में डालकर आंखों में आंख डाल करके कि कितने लोगों को विश्वास है कि कृष्ण भगवान है और जब प्रभुपाद जी आंख में आँख डाल सब बोले तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर पाया तो प्रोपा जी का ऐसे कुछ हम सुन रहे थे कि कुछ लोग हमारे पास अगर अठारह लोग भी ऐसे कुछ हो तो हम पूरे अठारह पूरा विश्वास है कि कृष्ण भगवान है तो अठारह दिन में पूरा विश्व हम जीत लेंगे अब देखिए हम लोग तो इंटेलेक्चुअली बोल सकते हैं देख रहे हैं ना थोड़ा इंटेलेक्चुअल और श्रद्धा को अलग चल रहा है ना इंटेलेक्चुअली हम सब जानते हैं कृष्ण हमारे हृदय में है जहां पे भी जाएंगे कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे है ना ये प्रश्न हम अपने स्वयं से कर सकते हैं शिले प्रभु जी का सर मैं खाली बोल रहा हूँ श्रद्धा पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार श्रद्धा नहीं कि मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा तुरंत डिफिकल्ट सोचेंगे ना कि हजार पाँच सौ रुपए तो कम से कम जेब में हो भाई मूंगफली चबाने को मिले कुछ तो हम सोचेंगे ना और प्रभुपा जी से बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है कि ना मैं जहां पे भी जाऊंगा भगवान की रक्षा करें तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दृढ़ श्रद्धा जार उसकी श्रद्धा एकदम दृढ़ है और शास्त्र की युक्ति में सुनिपुण है अब एक और बात समझ लीजिए कह रहे हैं कि उत्तम अधिकारी से तारा संसार देखिए अपना तो धार कर लेगा भक्ति करके और दूसरे को उद्धार कैसे कर लेगा क्योंकि शास्त्र युक्ति में निपुण है सामने वाला ऐसे तो बोल नहीं देंगे अब कृष्ण भगवान है और मान जाएगा तो शास्त्र की युक्ति के द्वारा वह दूसरे को भी प्रचार कर सकता है और अपना उद्धार तो कर ही लेगा इसलिए कह रहे हैं संसार पूरे जगत में प्रचार कर सकता है बहुत अच्छी से श्लोक है देखते हैं कितना हम पढ़ सकते हैं जो व्यक्ति तर्क तथा प्रामाणिक शास्त्र में निपुण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति शास्त्र को पढ़ता है ये नहीं कि बस पांडित इकट्ठा करने के लिए पढ़ा जा रहा है और जिसे कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है उसकी गणना सर्वोच्च भक्त के रूप में की जाती है वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है कहीं आप लोग तो नहीं, नहीं हमारा डिस्क्रिप्शन है, है जनरली भी होता है हमारे का। एक शुद्ध भक्त कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहता हमें और अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तो ये मेरा ही वर्णन हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे ना ठीक है ठीक है यहाँ पे संस्कृत में इसको माणिक किया जा रहा है शास्त्र युक्त उच्च निपुण हाँ सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ता उत्तम स्पष्ट है शास्त्र युक्ति में जो निपुण है सर्वथा दृढ़ निश्चय भक्ति करना ही है करना ही भक्ति ही करना इस प्रकार का निश्चय है प्रौढ़ प्रौढ़ मतलब मैच्योर जिसकी श्रद्धा है वह है। यह सभक्ता उत्तम मत उस भक्त को उत्तम कहा जाता है माना जाता है जो तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ होता है तथा जिसकी आकाश श्रद्धा होती है जो अंधी नहीं होती अंधी का मतलब प्रमाणिक शास्त्र के आधार पर है उसे उत्तम भक्त माना जाता है अच्छा ये बात ध्यान देनी होगी कि जब हम श्रद्धा रख रहे हैं तो उसके दो कारण एक कि देखिए प्रमाणिक शास्त्र है और उसके बाद आचार्यों ने भी सुखो स्वीकार किया है रामर हैं, है मध्वाचार्य हैं, चतन महाप्रभु सभी ने भगवान कृष्ण को भगवान कहा है तो इतना अपना इतना अपना जीवन क्यों समर्पित किया अगर कृष्ण केवल एक कल्पना मात्र होती बताइए तो इस युक्ति के द्वारा हमारी श्रद्धा को कुछ पोषण मिल रहा है कि नहीं बताइए मैं तो हमेशा सोचा करता हूं कि भाई देखिए आज से 500 साल पहले लिखना कितना कठिन कार्य था और आचार्यों ने आप देख रहे हैं कितना सुंदर उत्तम विचार लिखा है भागवत की टीका लिखी है इसका मतलब भागवत महत्वपूर्ण होगी तभी तो इतना जीवन समर्पित किए हैं कभी सोचा आपने पूरी भागवत पर टीका लिखना कितना कठिन कार्य होगा विदाउट लैपटॉप हम लोग तो एक मैं एक लोग तैयार कर लेता हूँ समझने में तो वो लगता है कितना भारी है मतलब भारी मतलब काफी सारी चीज समझने के लिए लग नहीं रहा था कल है कि नहीं लैपटॉप है फोन है तब भी कितना से मुश्किल होता है वो तालपत्र पे कोई सुविधा नहीं तालपत्र पे लिख लिख करके लिख लिख करके टीका लग रहे हैं मतलब भागवत कितना महत्वपूर्ण होगा मैं तो अपने दिमाग में बार बार ये फनकता रहता है कि अगर भागवत महत्वपूर्ण नहीं होती तो शिला प्रभुपा जी और ये सब चैतन चौथा में महत्वपूर्ण नहीं होता हमारी भक्ति के लिए तो प्रभुपा जी रात रात भर जग करके क्यों लिखे है बताइए प्रसिद्ध होने के लिए वो प्रसिद्ध वह होना चाहता था व्यक्ति बताइए जिसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है मृत्यु काल में कि उनको वृंदावन की महिमा नहीं पता थी कि वृंदावन श्री छोड़ने से भगवत प्राप्ति होती है उसको छोड़ करके एक, और प्रभुपा जी अमरीका गए भागवत का प्रचार करने के लिए तो कुछ विशेष बात है ना भागवत में तो मैं खाली बोल रहा हूं कि इस प्रकार से भक्तों की श्रद्धा होती है अगाध श्रद्धा होती है हिलने वाली नहीं है यह श्लोक श्रीला रूप कृत भक्ति सामने सिंधु में आया है 1.2.17। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो पहले बांग्ला में उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन उसके बाद संस्कृत में उसको पुष्ट किया गया हम इसको पूरा करके ही रुकेंगे शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान शास्त्र की युक्ति शास्त्र का तर्क वो नहीं जानता है लेकिन दृढ़ श्रद्धावान उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है ऐसा व्यक्ति मध्यम अधिकारी है और वो महाभाग्यवान है अब महाभाग्यवान क्यों है वो कम से कम अपना उद्धार कर लेगा अब आप कहेंगे भाई शास्त्र तो कह की युक्ति को नहीं जान रहा है तो श्रद्धा कैसे आ गई देखिए यहां कह रहे हैं कि शास्त्र की युक्ति को नहीं जानना मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जान रहा है वो सुना है उत्तम अधिकारियों से या से सुना है तो उसकी जब कर रहा है भक्ति कर रहा है श्रद्धा पक्की हो गई है लेकिन ऐसा नहीं कि अब शास्त्र को बिल्कुल ठीक ठीक समझ लिया है दूसरे को कन्विंस भले ना कर पाए लेकिन खुद भक्ति ठीक से कर रहा है तो अच्छी बात है ना अपना तो उद्धार कम से कम कर ही लेगा ये भी बहुत बड़ी बात है अगर हम अपना भी उद्धार कर लेते जो प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित में अधिक अधिक दक्ष नहीं है मैंने अधिक पे अधिक वजन क्यों दिया बिना शास्त्र श्रवण के भक्ति कैसे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र श्रवण के बिना भक्ति का चालू कर देंगे हाँ भाई चलो महामंत्र बोलो क्या मेरे मन में उदित हो रहा है ऐसा तो नहीं है महामंत्र किसी वक्त सुने होंगे कुछ कथा सुने होंगे इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्र को सब कुछ समझ लिया है लेकिन बहुत दक्ष नहीं है उस वाले श्लोक में क्या लिखा था सुनिपुण सुनिपुण मतलब बहुत दक्ष है और आप देख रहे ना किस प्रकार से चक्रवर्ती पात शिला प्रभु पाठ सनातन के सभी में तो बड़ा खुश हो जाता कितना सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं कृष्ण को स्थापित ही करते हैं है ना कितनी बार देखेंगे मायावाद खंडन करते हैं और कृष्ण को स्थापित करते हैं प्रभुपाद जी भी कितने सुंदर तरीके से करते हैं तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों से सुन रहा है भले खुद बहुत दक्ष नहीं है लेकिन कुछ तो सुन ही रहा है बल्कि कहेंगे प्रचुर मात्रा में सुन रहा है ऐसे कैसे मध्यम बन जाए जो प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित तर्क में अधिक दक्ष नहीं है किंतु दृढ़ श्रद्धा से युक्त है वह द्वितीय श्रेणी का मध्यम भक्त माना जाता है उसे भी अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए बताइए क्यों मानना चाहिए भाग्यशाली क्योंकि दृढ़ श्रद्धा है और कम से कम खुद का उद्धार जरूर कर लेगा ठीक है भक्ति करना तो नहीं छोड़ेगा यह शून्य अनिपुण श्रद्धावान सतु मध्यम ठीक है जो तो शास्त्र में अनिपुण है ये नहीं कि कुछ भी जानकारी नहीं लेकिन पूरा बहुत निपुण नहीं है वह वे व्यक्ति मध्यम कहलाता है जो शास्त्रीय तर्क को भली भांति नहीं जानता किंतु जिसमें दृढ़ श्रद्धा होती है वह मध्यम या द्वितीय श्रेणी का भक्त कहलाता है ठीक है यह श्लोक भी भक्ति के समय सिंधु वन पॉइंट टू पॉइंट एटीन में पाया जाता है जहां को श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमेते हो भक्त हरी वे उत्तम जिसकी श्रद्धा कोमल है वह कनिष्ठ है अब कोमल समझ रहे हैं जैसे आप आटा समझते हैं कोमल होता आटा तो किसी रूप को दे दीजिए आज वो कृष्ण का भजन कर रहा है कल कोई और को भजन करे महाराज इस संबंध में उदाहरण दे रहे थे कह रहे भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आश्रम ज्वाइन किया तो कोई कहे अरे अभी तो भजन कर रहे हो बुढ़ापे में कौन ध्यान देगा बुढ़ापे में कौन ध्यान देगा फिर छोड़ देगा घर चला जाए ये कोमल श्रद्धा का अरे पतन हो गया तो क्या होगा इस प्रकार की बातें नो करके बहुत डराते हैं देखते हैं कितने दिन आश्रम इस प्रकार से लोग श्रद्धा हिलाते हैं और कुछ लोग श्रद्धा हिल जाती वाकई हिल जाती तो कोमल श्रद्धा मतलब जिसको दूसरा व्यक्ति आकर के चेंज कर दे और ऐसा बहुत से ही लोग होते हैं श्रद्धा कोमल है शास्त्र श्रवण करते नहीं और आज कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है कुछ भक्ति में विश्वास हुआ आप फिर दूसरा कोई व्यक्ति बोलना शुरू करे hmm. कृष्ण तो शायद नहीं रक्षा करेंगे शिव जी बेहतर है दुर्गा जी तो अपनी माँ है <laughs> माँ के शरण में नहीं जाएंगे तो कहा जाएगा ऐसा कहते कि नहीं अच्छा एक और दारण समझ लीजिए बहुतों के घर में कृष्ण का ऑल्टर होता है लेकिन बैकअप में इमरजेंसी ऑल्टर भी होता है <laughs> सोच रहे हैं दुर्गा जी का शिव जी का इमरजेंसी वालोता है कि भाई कृष्ण ने मुंह मोड़ लिया तो कोई रक्षा करे <laughs> है ना मुझे तो कितने लोग इस प्रकार से बोले भाई तुम ब्रह्मचारी हो गए हो अब बुढ़ापे में कौन देगा हमने कहा पहले बुढ़ा तो होने दीजिए शास्त्र में हम बहुत भाग्यवान होंगे कि हम बुढ़े हो जाए शास्त्र क्यों भाग्यवान है कि नहीं पहले बुढा तो होने दीजिए है कि नहीं वो यमुना तो पास में क्या दिक्कत है ज्यादा तक यमुना जी कूद जाएंगे ऐसा नहीं होता है आप परम परमपुजी लोकनाथ महाराज को देखिए आप महाराज की उम्र के किसी को से कंपेयर कर लीजिए साल में एकदम व्यक्ति एक हिल जाता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता मैं तो चकित कि 74 साल में कितना नाच रहे। आप सचिन कितना सचिन महाराज का मंदिर को हिला रहे थे कितना उत्साह है अब भी हम अश्रद्धा कर लें और बाकी सेवेंटी फाइव साल के बुढ़ों को देख लीजिए क्या स्थिति है तो जिंदगी अपना समार, समर्पित किए हैं माया को क्या हालत लगे आम से पूरा रस निकाल लिया जाए <laughs> तो, <आहे> तो किसी ठीक <laughs> है लेकिन व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए नेक्स्ट लोग क्या बोल रहे हैं क्रमे क्रमे ते हो भक्त हो बेउत्तम क्रम से धीरे धीरे करके वे भक्त उत्तम होगा अब इस क्रम समझ लीजिए क्रम का मतलब ऐसे नहीं कि देखिए बड़ा कॉन्ट्रिक्टी बात है अगर श्रद्धा कोमल है तो तो वो छोड़ेगा ना भक्ति को एक बात आ जाएगी अगर कोमल श्रद्धा है तो कहीं से इधर उधर को सुन लेगा तो तो वो भक्ति छोड़ देगा तो वो भक्ति में टिका कैसे रहेगा इसीलिए नए भक्तों को प्रभापा जी बोलते हैं सीनियर भक्त मतलब जो जिनकी भक्ति स्ट्रांग है श्रद्धा स्ट्रांग है उनके संग में रहना चाहिए संग में रहना चाहिए श्रवण कीर्तन करे केवल रहने मात्र से नहीं होता है। रहता है तो बहुत तो साथ में रह सकते हैं लेकिन श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को पुष्ट रहना चाहिए देखो भाई मैं तो प्रैक्टिकली रोज आज तुलसी तो आरती में जान के देखता हूं वहां पर सन्यासी लोग परिक्रमा कर रहे होते तो मैं कर रहे हैं तो हम देखता हूँ देखो लोग अपना जीवन समर्पण करके कितने खुश है केवल देखने मात्र से व्यक्ति को इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं तो हम खाली बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करता है तो उसकी श्रद्धा धीरे 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 करके बढ़ती है और महाराज बड़ा सुंदर बात बोल रहे थे कि जब हम भक्तों के संग में कथा सुनते हैं तो श्रद्धा का वायरस रेडिएशन श्रद्धा का रेडिएशन वो हमारे के ऊपर भी प्रभावित करता है एक और इसी बात को सचिन सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि कोई व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसके पीछे उसकी श्रद्धा है वाओ आई मीन दिस इज टू मच दिस इज टू मच अगर ऐसे विचार करें भाई बेवकूफों से मत सुनिएगा मैं बता रहा हूं बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति की भी बड़ी घनघोर हो सकती है और उससे वो कुछ बोलेगा एकदम हम प्रभावित हो जाएंगे महाराज समझा रहे थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कि जैसे आपको पेड़ उगाए <laughs> तो जरा सा कुछ कोपल उगना शुरू हुई तो बकरियां आ जाती खाने के लिए जब तक कुछ नहीं वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है जैसे आप देखिए भक्ति स्वीकार किए तुरंत कोई ना कोई बोलना शुरू कर देगा अरे सब बकवास है।, तो तो था, था। तो है और आप देखेंगे जब हम भक्ति करते रहते हैं, हो जाते हैं तो है बेकूफी की बातें बोल रहा है बट जो नया व्यक्ति वो प्रभावित हो जाता है इसीलिए ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए जिसकी श्रद्धा कोमल एवं लचकदार होती है <laughs> लचकदार मतलब इधर भी मोड़ दीजिए उसको वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है किंतु विधि का क्रमशः पालन करने से वह प्रथम कोटि के भक्त पद को प्राप्त कर लेता है तो विधि का पालन करने का मतलब है बारंबार मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं हृदय शुद्ध हो रहा है हृदय शुद्ध हो रहा है कृष्ण हमारे फेथ को कर रहे है। यही करना है यही करना है यही करना है और इससे पहले मैं आपको शुरुआत के तात्पर्य देखिएगा तो अब एकदम एकदम क्लियर क्लू मिल रहा है कि जब व्यक्ति सतुगुण में सतुगुण की क्रियाओं का अनुशीलन करेगा उसका हृदय शुद्ध होगा उसको भक्ति का डायरेक्ट अनुभव होगा तब बताइए तब भी श्रद्धा नहीं रहेगी आप मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं जप कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो आपका हृदय सतुगुणी होगा सतुगुण हृदय में कुछ कुछ भक्ति की अनुभूति होने लगती है हाँ जब तो अच्छा है भागवत अच्छी मतलब समझ रहे मान लीजिए कोई कहे कि भागवत सुनने से रजोगुण तमगुण कम होता है शुरुआत में समझ में नहीं आती जब एकदम अनुशीलन करते हैं तो वाकई दिखता है इससे शोक मोह नष्ट हो रहा है प्रेरित कर रहे हैं भागवत पढ़ने के लिए जब करने के लिए भगवान विश्वास बढ़ने लगता है तब भी आपका आवश्यकता रहेगी बहुत इम्पोर्टेंट बात है और जो लोग साधना नहीं करते मानो सुबह नहीं उठ रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो चित्त जो है ना रजगुणी तमगुड़ी रहता तो वो कंफ्यूज ही रहेंगे पता नहीं काम करता है भक्ति कुछ करता है कि नहीं करता नहीं, नहीं, पता नहीं टेस्ट पता नहीं हमको ये मुझे परम पूज्य भक्ति महाराज एकदम साक्षात बोले बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से दैट यू शुड ईट इन टाइम यू शुड स्लीप इन टाइम है क्या हम जिंदगी भर सोचते ही रहेंगे कि नाम में रस होता है और पीचिंग भी करते रहेंगे विदाउट एक्सपीरियंसिंग समथिंग काइंड ऑफ प्रीचिंग विल हैव मैं थोड़ा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा स्ट्रांग बोल रहा हूँ कि भाई आपको जब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपको अनुभव होगा कि नहीं कुछ बात में दम रहेगा कि नहीं अच्छा चलिए ऐसे बताइए कल एक डिवोटी बोल रहे हैं अरे आपने अपनी शाम की क्लास चेंज कर दी इसका मतलब जरूर ही महाराज जी का कीर्तन बहुत अच्छा होगा महाराज कीर्तन है कि की नहीं तो जब मैंने बोला कि महाराज कीर्तन बहुत अच्छा होता तो उसमें कुछ बात में दम था कि नहीं नहीं सुना ही आप बोल रहे हैं तो उसका बहुत प्रभाव होता है ये सब बातें बहुत सूत्र है हम कैसे भक्ति में श्रद्धा बनाए रख सकते हैं भक्तों का संग करें जो भक्त उत्साहित है भक्ति में उसको कुछ अनुभव प्राप्त तभी तो लगा लग कर रहा है वो फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है ठीक है ये सब ये चैप्टर ये सेक्शन बहुत अच्छा है बहुत सुंदर क्योंकि जहां श्रद्धा का डीजल कम वहां गाड़ी स्थगित यो भव्य कोमल श्रद्धा सकनिष्ठो निगत जिसकी श्रद्धा कोमल है उसको कनिष्ठ कहा जाता है जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रबल नहीं होती और जिसने अभी शुरुआत की है उसे नया कनिष्ठ भक्त समझना चाहिए और देखिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन जो हमसे अधिक श्रद्धालु भक्त हैं वह हमको हीन नहीं देखते हैं यद्यपि हमारी श्रद्धा कमजोर भी है लेकिन हमको हीन नहीं देखते हैं लेकिन हमारी मानसिकता क्या होनी थी उस पर निर्भर करता है बहुत ध्यान से सुनिएगा भले ही हमारी कोमल श्रद्धा है लेकिन जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना तो होनी चाहिए ना अगर सम्मान की ही भावना नहीं होगी तो बताइए कैसे कृपा प्राप्त होगी अगर हम यही सोचेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं हमें सुनने की क्या जरूरत है तो क्या होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है हमें गाँव में प्रचार करने के लिए गए थे तो बाद में एक भक्त बोले हम सब सीख गए हमको और कुछ कथा होता सुनने की जरूरत नहीं सीख गए हो हम तो लग रहा है कि हम सीख ही रहे कुछ सीख ही रहे और आप कह रहे हो सीख गए एक ही क्लास में सीख गए सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है भाई सचिन महाराज बहुत शावाद बोल रहे थे कह रहे थे कि द मोर वी डिस्कस एनी सब्जेक्ट द मोर इट गोज डीपर इन टूअर हार्ट और कठिनाई जानते क्या है जो भक्त लोग बोलते में कुछ याद नहीं रहता कठिनाई यह है कि भौतिक विषयों को तो बार बार घोटते रहते हैं आपने कभी देखा है कुछ लोगों को आपको बात बोल चुके होते हैं सुना है फिर भी वही बात बार बार बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि आपको बात भूली हुई है और कभी कभी आप बोलेंगे अरे भाई ये बता चुके हो नहीं नहीं बोलते ही रहते आपने देखा है सर जब चित्त में यही भौतिक वार्ता भसी हुई है तो कैसे भगवान की बात घुसेगी बताइए और भगवान की बात सुनते हैं तो उस चर्चा नहीं करते तो हम मतलब खाली बातें बोल रहे हैं कि सब चीजें तो हमारी श्रद्धा को प्रभावित करती हैं क्या वार्ता कर रहे हैं किन्नों का संग कर रहे हैं ये श्लोक भी भक्त, भक्ति के सामने सिंधु में आया उसके बाद आगे के लक्षण चेंज होंगे हम खाली इस पे यहाँ पे रुकेंगे ये, ये एक तरीका है भक्तों के अधिकार का वर्णन करने का और उसके बाद आगे दूसरा तरीका है लेकिन एक बात समझ लीजिए जब तक व्यक्ति कम से कम मध्यम अधिकार को प्राप्त नहीं है भगवान के धाम नहीं जा सकता तो इसलिए आवश्यक है अभी आगे और भी उसके वर्णन आएंगे तीन तरह से वर्णन किया जाएगा आपने आज क्या सीखा जिसकी श्रद्धा बहुत सुदृढ़ है शास्त्र में विश्वास है और शास्त्रों में युक्ति में निपुण है और श्रद्धा बहुत दृढ़ है उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं मध्यम अधिकारी क्या हुआ शास्त्र में बहुत अधिक दक्ष नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है और वह मध्यम अधिकारी और जिसकी जो शास्त्र में भी निपुण नहीं है और श्रद्धा भी कोमल है वह कनिष्ठ है लेकिन यदि कनिष्ठ विधि का पालन करता है और विधि के पालन का अर्थ हुआ विधि का पालन करने से हृदय शुद्ध होगा तो उसकी श्रद्धा स्ट्रांग होती चली जाएगी क्योंकि उसको उस प्रकार से अनुभव प्राप्त होने लगेगा ओके okay, तो यहाँ रुकते हैं विल we'll जस्ट just... इससे पहले अब आगे ज... मतलब आगे तो नहीं जा रहा हूँ सो, सोचिए छोटी सी बात अगर हमको ये विश्वास है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट है बाप रे कितना उत्साह होगा नाम जप करने का ये साक्षात कृष्ण है श्रीमती राधा रानी है जो हमारे जीव पे प्रकट हो रहा है वो सोचिए कोई चीवड़ी अमेजिंग इज इट नॉट और जो ये नाम का प्रचार कर रहे हैं वह कृष्ण को अत्यधिक प्रिय हैं उनका हम को भी अहित करने के बारे में सोचेंगे अब आप देख रहे हैं श्रद्धा का कितना प्रभाव है हमारे जीवन में ये भगवान का प्रसाद है बताइए कोई इसे फेंकेगा उतना ही लेगा ना जितना कि हम ग्रहण कर सकें मतलब अगर आप देखिए तौ, जो टॉपिक डिस्कस किया वो तो बहुत सिंपल सा है उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे तो आप देखिए कि कितना आप वो अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है ये विचार बहुत पावरफुल टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया गया भागवत को सुनने की इच्छा से क्या होता है सुना नहीं है सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं बताइए भागवत में मति नहीं लगाएगा तो ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं अपने जीवन में देखते हैं कि तुरंत लोगों की श्रद्धा होती नहीं है तो उसे को घबराने की बात नहीं है बार बार श्रवण करते हैं तो आप अंदर एक श्रद्धा का स्पार्क देखते हैं प्रणाम किया है माल एक फॉर एग्जाम्पल शास्त्र का एक वचन किसी ने लोगों को दिखावा करने के लिए भी भगवान को प्रणाम किया है तो भी भगवान सौ जन के पाप नष्ट करते हैं आई थिंक कुछ हुआ का हृदय में आपके मेरे को तो बहुत हुआ जब मैंने पढ़ा था मैं ऑफिस में बैठा था हमने कहा वाह तुरंत मंदिर में गए प्रणाम किए इसीलिए बार बार प्रभुपाल जिस बात को बोलते थे distributing my my books will will keep keep devotees happy and reading them will keep them. बोल रहे थे कि तुमको पता नहीं कि कि कितनी तपस्या करनी पड़ेगी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने सारी को गायब करने में बहुत समय लगेगा एंड रिक्वायर तपस्या तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति शास्त्र श्रवण करता रहे उसकी श्रद्धा टिकी रहे और भक्ति करता रहे और बिफोर सम ट्रांसफॉर्मेशन है प्रस्था प्रस्था वेरी वेरी पावरफुल सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन है मुझे तो बहुत अच्छा लगा था एनी भक्तों तो का प्रश्न है अधिकारी yes. no <laughs> <आ. laughs> मैं, मैं, मैं नहीं हूँ शास्त्रीय युक्ति में निपुण नहीं हूँ चलिए बताइए प्रयास करेंगे हमारे महाराज वो बोलते हैं राधा राम राधा रमन महाराज बोलते हैं प्रश्न कीजिएगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट प्रश्न मत कीजिएगा और कभी कभी उत्तर नहीं होता तो क्या बोलेंगे हम अगर नीचे बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते बोली <laughs> हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो माइक बोलना पड़ेगा अभी भी नहीं आ रही ऑन कीजिए उत्तम अधिकारी शास युक, युक्ति में पूर्ण तरह से निपुण होते हैं और उनमें दृढ़ श्रद्धा होती है और जो मध्यम अधिकारी है वो थोड़े कम निपुण होते हैं कम निपुण है लेकिन उनमें भी दृढ़ होती है जी तो जो श्रद्धा है मध्यम और उत्तम में वो के एक प्रकार की है कि थोड़ा करूं? नहीं ऐसा तो स्वाभाविक से आप समझ सकते हो कि श्रद्धा का भी लेवल बहुत अधिक हो जाएगा उसका भी उसमें आप आगे तारतम्यता देखेंगे तो अच्छा प्रश्न है कि दोनों में श्रद्धा एक ही लेवल की है कि नहीं मतलब क्या दोनों में डिफरेंस केवल इसी बात का है कि अः शास्त्र की दृष्टि का नहीं उधर भी जब शास्त्र का ज्ञान इधर उतना नहीं है तो श्रद्धा का लेवल भी तो अधिक होगा ना स्वाभाविक सी बात है देखिए बहुत सिंपल सी बात है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कभ श्रवण आदि शुद्ध चित्त करीबेद तो श्रद्धा है वो जब कंडेंस्ड फॉर्म है उसी को प्रेम कहते हैं तो कहने का अर्थ है कि हम सभी के हृदय में प्रेम है लेकिन वो प्रेम एडल्ट्रेटेड हो चुका है वो श्रद्धा एडल्ट्रेट क्या बोलेंगे मिलावट हो चुकी है गुणों की वजह से इन्फेक्टेड है इसलिए लगता है कि कृष्ण को छोड़कर के कुछ और मेरे लिए सेव्य है जैसे जैसे इन गुणों का इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा तो वैसे समझ लगा अरे भाई भगवान की भक्ति करने के अलावा और क्या है देखिए हम सब लोग भक्ति में आते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के और जिस दिन नाम में रुचि मिलती है उस दिन क्या लगता है बताइए ये ऐसा अनुभव अगर रोज हो तो जीवन में हमें क्या चाहिए और हम लोग को तो ज्यादा हुआ भी नहीं है हल्का हल्का कुछ खुशबू मिल जाती है नाम की रुचि की हल्की सी खुशबू मिल जाती है तब भी लगता है जगत में कुछ भी नहीं है है कुछ भी नहीं लेकिन लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा मेरी बात से रिलेट कर पा रहे मैं क्या कह रहा हूं ब्यूटीफुल जपा मतलब ब्यूटीफुलसाइटिक जपा बहुत अच्छा जप होता है तो एकदम मन में यही आता है ना कि जगत में कुछ भी नहीं है करने के लिए भाई ये यहाँ ले, ले, ले जा वो भी ले जा सब ले जापि उसके बाद फिर हमारे बहुत एक एस्पिरेशन आ जाए बाहर लेकिन रियली देट इज समिंग वेरी नाइस तो उत्तम अधिकारी की श्रद्धा का तो कहना है क्या तो आनंद में पड़े रहते हैं कृष्ण भक्ति में क्या कह सकते इससे पहले मैं आगे जाऊं आप तो कह रहे थे रुक जा रहे हैं बस मैं बोल दे रहा हूँ पढ़ सकते हैं जब हम उत्तम अधिकारी श्रवण करें या एटलीस्ट एटलीस्टम अधिकारी श्रवण करें उनके पास श्रद्धा स्ट्रांग है तो आपसे क्या सुने? तो तो मुझसे ना सुन रहे हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ इसलिए पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी इसलिए कहा करते थे कि हमारे ग्रंथों को सुना जाना चाहिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं लोग पढ़ रहे हैं तो चार्यों की बात को रिपीट कर रहे हैं तो मैं भी सुन रहा हूँ आप लोग भी सुन रहे हैं और सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं ठीक है ओके So I'll stop here.